गुरु हर डायलॉग को ना बोलने का एक एटीट्यूड होता है, समझे? जैसे कि आप कुछ भी बोलेंगे, मगर अगर बोलेंगे कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो जब भी आप किसी से पूछेंगे कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, उस बात को आज आगे बढ़ाते हैं। आज तक जो आदमी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो आदमी आज तुम्हारी चौखट पे माथा टेकने आया है। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। आज तक जिस आदमी ने तुम्हारी सीढ़ियां नहीं देखी, जिस आदमी ने तुम्हारी चौखट नहीं देखी, वो आदमी आज तुम्हारे यहां दया की भीख मांगने आया। नहीं तो ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि अपन का चाची ना अपन का नाम विजय दीनानाथ चौहान आई उम्र 36 साल 9 महीना 18 दिन और ये 12 घंटा चालू है मालूम। यही साला टेलीफोन भी बड़ा अजीब चीज बना है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। यही साला झूठ बोलता तुम, झूठ बोलता तुम। यही तुम्हारा कपड़ा पहनने का स्टाइल हमको बहुत पसंद आया। अपने टेलर का बिल भेज देना हमको। आई अरे भैया देखिए, आज रहा है कि विजय कौन है हम नहीं जाना था, पर हाँ इतना जरूर जाना था कि भैया कही के है पान बनारस वाला, क्योंकि हम हैं भैया बनारस के, समझे गुरु? हम हैं गुरु बनारस के और कहना चाहते हैं तुमसे कुछ काम की बात। ओ जो गंगा के घाट पे हम जो एक बार मिले रहे, किससे तोसे, अरे याद है कि नहीं? अरे हाँ भैया कैसी बात करा, तो कैसा भूल गए भाई? अरे नहीं नहीं वो नहीं, अरे उसका नहीं उसका बात कर रहा है। अरे चाल बोल बात कहीं का सच। बड़ा ही अजीबो गरीब होता है ये सच। एक झलक दिखाकर चौंका देता है जो हमें, उसे अजूबा मानने लगते हैं हम। एक सच वो भी है जो अनदेखा अनजाना विचित्र चेहरा, और सच अनेकों रहस्यों से भरा हुआ वो सच आज एक दूसरे सच के सामने खड़ा है। और मालूम ये जो सच है ना सच, ये बड़ा ही अजीबोगरीब होता है। तुम लोग मुझे यहाँ ढूंढ रहे और मैं तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, बाकी की मीटिंग वहीं चल के करते हैं, यहाँ पे तो बैठने की जगह भी नहीं है मालूम। तो अभी करें आप, आपको अलविदा बोलता है, फिर आगे कभी टाइम मिलेगा तो फिर आपसे मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर, शुभरात्रि, और इंजॉय करने का वीडियो, जूस पीवानू, कैरम रमवानू। अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? मैं ना आपको एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ। मैं सॉरी इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा सा, मगर ये अच्छा नहीं लगता यूट्यूब पे सबके सामने बोलना, मतलब बट मैं मजबूर होकर बोल रहा हूँ ये बात कि जैसे ना ये बच्चन साहब का आइटम जो है वो समोसा था, और ये जो इमोशनल वाली एक्टिंग है ये चटनी थी, समझ गए? थैंक यू सो मच। ये केशव मुखर्जी याद है किसी को?